हेलो एवरीवन, और स्वागत है आप सभी का लाइफस्टाइल ट्रेवल्स के एक और नए ट्रेन जर्नी पे। और अभी मैं हूँ जयपुर जंक्शन पे, और यहाँ से मेरा ट्रेन है गुड़गांव के लिए। तो चलिए आज के इस ट्रेन जर्नी को हम लोग शुरू करते हैं। और अगर आप लोग को ट्रेन जर्नी पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। और चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, सो अभी मैं हूँ जयपुर जंक्शन पे, और अभी टाइम हो रहा है 5:25 AM। और हम लोग का यहाँ से जो ट्रेन है वो है 09731 जयपुर दिल्ली सराय रोहिला स्पेशल, जो कि 8:25 AM में यहाँ जयपुर से डिपार्ट करेगा, और अराउंड 1 PM पे हम लोग को गुड़गांव जंक्शन पे पहुँचा देगा। और फाइनली ये अराउंड 1:45 या 1:55 AM के अराउंड जो है ये दिल्ली सराय रोहिला स्टेशन पे फाइनली आज पहुंचता है। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं स्टेशन के अंदर, और फिर आगे का जर्नी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और गाइस, सो अभी जैसे देखते हैं ये है आपका जयपुर जंक्शन का मेन एंट्रेंस, और यहाँ पर टोटल 3 एंट्रेंसेज है। तो हम लोग ये लगा मेन एंट्रेंस है वहाँ से चलेंगे। और मैं बता दूँ कि अभी इसके बाद से मैं थोड़ा सा जो भी स्टेशन पे जाऊंगा, यानी जो भी रेलवे स्टेशन पर ट्रैवल करेंगे वहाँ का एक इंफॉर्मेटिव ब्लॉग आप लोग के लिए लेके आता हूँगा। तो मैं उसके लिए भी आप लोग जरूर से वेट कीजिएगा। और यहाँ पर एंट्री के साथ ही आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा आपका सिक्योरिटी है, और यहाँ पर आप अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका सैनिटाइज ये सब किया जाता है। तो हम लोग सब चीज़ करके फिर अंदर में आप लोग से मिलते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम लोग जो है वो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और यहाँ से हम लोग चलेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, जहाँ से हम लोग का जो ट्रेन है वो डिपार्ट करेगा। और मैं बता दूँ कि हम लोग जब एंट्री किए हैं तब हम लोग को कुछ भी कोई भी टेस्ट इस के लिए कुछ भी रिपोर्ट नहीं मांगा गया था, और ना ही जब हम लोग इसके पहले जब जयपुर से एग्जिट किए थे तब भी कुछ भी रिपोर्ट्स नहीं मांगा गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा साइन ये सब दिया हुआ है, टोटल कितना कितना कहाँ किस टैक्स में क्या चीज़ है, तो सब चीज़ दिया हुआ है। और अभी हम लोग चल रहे हैं, वो जा रहे हैं हम लोग AC वेटिंग हॉल में, क्योंकि हम लोग का अभी ट्रेन आने में बहुत टाइम है। तो हम लोग वहीं AC रूम में जाके वेट कर लेंगे, जो वेटिंग हॉल है वहाँ जाके वेट करेंगे थोड़ा देर के लिए। और फिर उसके बाद चलिए मैं आप लोग को एक और कुछ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पंखा का साइज, जो ब्लेड्स का साइज कितना बड़ा है, और इतना ये इस साइज का ब्लेड्स जो है आप मोस्टली आप यहाँ जयपुर में ही या ऐसे ही टूरिस्ट प्लेस में आप देख सकते हैं जो इतना बड़ा साइज का है। तो चलिए हम चलते हैं अंदर और वेटिंग हॉल में चलते हैं। ऑलराइट गाइस, सो अब हम लोग जो है यहाँ AC वेटिंग हॉल में आ चुके हैं, बैठ चुके हैं, और यहाँ देख सकते हैं अभी कोई नहीं है, और थोड़ा लाइट ऑफ है यहाँ का। तो मैं बता दूं कि जब आप यहाँ पे AC में वेटिंग हॉल में आइएगा तो आपको पहले अपना टिकट जो है वो दिखाना पड़ेगा और ID दिखाना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ एंट्री मिलेगा। और फिर यहाँ पर आप आराम से 2-3 आवर्स के लिए इजली वेट कर सकते हैं अपने ट्रेन आने से पहले। तो हम लोग यहीं वेट करते हैं। और फिर मैं बता दूँ कि जो हम लोग का जो सीट है वो है आपका AC चेयर कार में। तो जब ट्रेन आगे का जर्नी हम लोग बस से आप लोग से फिर मिलते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग जो है थोड़ा स्टेशन से वहाँ से बाहर निकले कुछ नाश्ता ये सब करने के लिए। तो अभी हम यहाँ पर भी देख रहा हूँ, मैं इधर घूम के, तो यहाँ पर आपको केवल सुबह में जो है पोहाई हमको अभी सब जगह दिख रहा है। तो चलिए हम लोग अभी वही चल रहे हैं, जैसे किसी देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ही सब है आपको कुछ खुला हुआ दुकान, तो हम लोग वहीं चल रहे हैं और वहीं से हम लोग थोड़ा सा कुछ नाश्ता कर लेंगे। तो ये है पोहा, और ये हम लोग को 20 रुपये का एक प्लेट दिया है, देख सकते हैं हम लोग खाते हैं, और फिर खा के फिर आप लोग से फिर आगे बात करते हैं। ओके गाइस, सो अभी हम लोग ने नाश्ता कर लिया है, और मैं बता दूं कि जो पोहा का टेस्ट है वो काफ़ी सही था। और ये पोहा आपको 20 रुपीज़ का पड़ता है एक प्लेट। तो अगर आप लोग जयपुर आए हैं तो आप लोग अगर हल्का नाश्ता करना है तो आप इजली यहाँ पर 20-30 रुपीज़ में आप नाश्ता कर सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग अंदर चलते हैं, क्योंकि टाइम भी हो चुका है ऑलमोस्ट हम लोग का ट्रेन पर आने का। तो बस थोड़ा देर में ट्रेन आएगा और हम लोग आप लोग को आगे का जर्नी दिखाते हैं।
सो फाइनली मैं जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ गया हूँ, और यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म एक साइड में प्लेटफॉर्म 2 है और दूसरे साइड में प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, और बाकी जो है आपको बाकी जो उस साइड में देख सकते हो वहाँ पर आपको 2A 3A 4 और 5 और 4 और 5 मिलेगा, जो कि टोटल यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म्स है। तो हम लोग का जो ट्रेन है वो आएगा इस पे जो मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, तो जब आता है ट्रेन तो मैं बताता हूँ फिर आगे का जर्नी कैसे रहेगा हम लोग का। अब हम लोग का जो ट्रेन का जो है वो प्लेटफॉर्म पे लग चुका है, और ये जो ट्रेन है हम लोग का ये है 09731 दिल्ली सराय रोहिला स्पेशल, जो कि हम लोग को अराउंड 1 PM पे के अराउंड जो है वो हम लोग को गुड़गांव जंक्शन पहुंचा देगा, क्योंकि हम लोग वहीं पर ड्रॉप होंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा हम लोग के रूम से थोड़ा पास पड़ता है इन कंपेयरिंग टू दिल्ली सराय। तो जैसे ही ये गेट खुलता है ट्रेन का तो हम लोग चलते हैं ट्रेन के अंदर। ओके गाइस, सो ट्रेन का जो गेट्स है वो ओपन हो चुका है, और हम लोग का जो सीट है वो है AC चेयर कार में, और ये इसका कोच नंबर है C1, और हम लोग का जो सीट है वो है 32 नंबर सीट है हम लोग का, और ये देख सकते हैं अभी यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि बहुत कम पैसेंजर है, एक या दो पैसेंजर से ही। चलिए हम लोग जल्दी से अपने सीट पर बैठ जाते हैं और फिर आप लोग से आगे का बात करते हैं। हम लोग का सीट कहाँ है? अलग तो ये है हम लोग का सीट जो कि नंबर, तो चलिए अब बैठ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अब मुझे हम अपनी सीट पर बैठ चुके हैं, और ये बाहर देख सकते हैं यहाँ पर बाहर का नजारा है जयपुर जंक्शन का, और अभी थोड़ी देर में अराउंड हाफ एन आवर में जो ट्रेन है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है, तो जैसे स्टार्ट होता है थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर रेस्ट कर लेते हैं, और जैसे ही ट्रेन डिपार्ट करता है तो फिर मैं आप लोग से आगे का जर्नी की बात करता तो हूँ। फाइनली गाइस, तो हम लोग का जो ट्रेन है वो खुल चुका है, और राइट टाइम बिल्कुल खुला है देख सकते हैं, जो कि अभी हो रहा है 8:25 PM। तो इसका जो स्टॉपेज है थोड़ा कम है, यानी मैं कि 5 से 6 स्टॉपेज है, तो ऐसा आपको सब स्टॉपेज दिखाऊंगा। तो चलिए अब ट्रेन का आप ये फिर को सफर इंजॉय कीजिए आप लोग। ऑलराइट गाइस, सो अभी हम लोग है दौसा जंक्शन पे रुके हुए हैं, और यहाँ पे अभी बहुत सारे पैसेंजर जो है वो बोर्ड किए हैं ट्रेन पे, तो यहाँ पे अभी ट्रेन में काफ़ी भीड़, यानी ऑलमोस्ट सारी सीट जो है वो फुल हो चुके हैं, और थोड़ी देर में यहाँ से हम लोग का निकलेंगे, तो फिर आगे का जर्नी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। एक क्विक अपडेट गाइस, जैसे आप लोग दौसा स्टेशन से आगे बढ़िएगा तो आपको बीच में बहुत सारे जो है छोटे छोटे हिल टॉप्स या फिर आप कह सकते हैं हिल रेंजेस दिखाई देंगे, तो देखिए आप बाहर में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर हिल रेंजेस दिखाई दे रहे हैं।
तो आप मतलब ये व्यू भी अच्छा मिलता है, तो आप अगर मॉर्निंग में ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा ऐसा में ट्रैवल के जहाँ से आप व्यू पूरा इन्जॉय कर सकें। और उसके बाद मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको जो है एक सीरीज का टाइगर रिजर्व भी है, उसको भी आप क्रॉस करते हैं जब आप ट्रेन से जाते हैं, बट वो थोड़ा सा आप देख नहीं पाइएगा अभी। ओके गाइस, सो अभी हम लोग है अलवर जंक्शन पे और अभी यहाँ पर हम लोग थोड़ा नाश्ता कर लेंगे। और अभी यहाँ टाइम हो रहा है 10:30 AM और ट्रेन जो है रियल टाइम चल रहा है। और हम लोग का जर्नी स्टार्ट किए हुए अराउंड 2 आवर्स हो चुका है और 2 आवर्स का जर्नी और बाकी है ये जर्नी में, ये पूरा टूर में। तो बने रहिएगा हम लोग के साथ ये वीडियो के एंड तक। और अगर आप लोग को अभी तक का जर्नी पसंद आया तो एक बार लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। ओके, क्विक अपडेट गाइस, अभी हम लोग है रेवाड़ी जंक्शन पे और ये गुड़गांव जंक्शन से के पहले का एक लास्ट स्टॉपेज है। इसके बाद डायरेक्ट 1 आवर का पूरा जर्नी है, नॉन स्टॉप जर्नी है। तो अब बस यहाँ से थोड़ी देर में जो है वो ट्रेन खुल जाएगा और अभी ये ट्रेन जो है वो बिल्कुल ही राइट टाइम पर चल रहा है। तो चलिए बस जर्नी का थोड़ा सा पार्ट बाकी है, तो बने रहिए हम लोग के साथ। ओके गाइस, फाइनली हम लोग जो है अब गुड़गांव जंक्शन पे पहुंच चुके हैं। टाइम हो रहा है 1 PM का और जो ट्रेन है वो थोड़ा सा 5 से 10 मिनट जो है वो लेट पहुंचा है यहाँ पर। और यहाँ पे देख सकते हैं जो ट्रेन है वो फाइनली अब यहाँ से निकल रहा है और उसका लास्ट स्टॉपेज जो है वो है आपका दिल्ली रोहिला सराय। तो अब चलिए बस हम लोग यहाँ से निकलते हैं और निकल के फिर आप लोग से बात करते हैं आगे। ओके गाइस, तो अभी हम लोग जो है यहाँ बाहर आ चुके हैं गुड़गांव जंक्शन से और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट अपने रूम पे जाएंगे बस या ऑटो लेके। और मैं बता दूँ कि अब यहाँ पर काफ़ी धूप है और यहाँ पर जो है मैं बता दूँ कि एक और यहाँ पर कोई भी कुछ भी टेस्ट या कुछ भी रिपोर्ट नहीं मांगा गया था, तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बनाऊँगा अभी उस टाइम बाद। तो आई होप आप लोग को ये टूर पसंद आया हो और हम लोग टूर को यहीं पर एंड करते हैं। तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।